ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਧੋ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਬੋਲੇ ਮੰਮੀ ਕਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਬੋਲੀ ਤੁਮ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਆਊਂ, ਔਰ ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਬਰਕੋਲੀ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਲੋਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਟਤੇ ਲੋਟਤੇ ਵਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਟੋ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਉਸ ਸਿਵਲ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਇੰਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕੀ ਸਾਹਮੋ ਬਤਾਓ। ਉਹ ਸਰਫ ਨਾ ਕਾਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਪੜੋ ਕੇ ਮਾਮੇ ਧਰਤੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲੋਟਤੇ ਬਿਸਤਰ ਮੈਂ, ਤੋ ਬਿਸਤਰ ਮੈਂ ਕਾਟ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸਕੋ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ? लेटी थी खाना खा रही थी, वहीं खाना खाते खाते गिर गई जी, उससे खाना खाते थे पहले इनको काट लिया उनने। अच्छा, सांप ने देखा था किसी ने? सांप ने अभी पूछो साले ने काटा। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा, बस इतना बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ फिर आप लोग? उसके बाद में हम ले आए हॉस्पिटल, रात ही ले आए हम, रात ले आए, रात ने ला कर भर्ती हमने कर दिया। भर्ती करने के बाद में बोले आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे यहाँ से। हाँ, यहाँ की डेड होगी। तो अभी क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये डेड बॉडी नहीं दे रही कल से, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। उसमें कह देते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कह रही है? ये कह देते हैं कि पुलिस में थाने में जाओ। अच्छा, थाने वाले कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल डॉक्टर कह देता है चल कर बाहर, ठीक है। तो दो थानों में चले गया? दो थानों में चले गया, उसमें किला वाले में गया था, पहली बार गया था सिविल जामे तहसील गंबा वाले में। इनने बोली हमारे पास भाई कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक हॉस्पिटल से। मैंने क्या करे, चलो यहाँ से, बोले यहाँ से ऐसा करो वहाँ जाओ उस वाले थाने में, किला वाले में। हम किला वाले पहुँचे, वहाँ पर बात हुई हमारी, मैं सर ऐसा तो बात है, और बोले यहाँ पर भाई कोई रिपोर्ट नहीं आई, अरे आती पहले तुम्हारा कोई एरिया लगता नहीं वहाँ का। अच्छा, ये कौन बोला? ये पुलिस वाले बोले, दोनों थाने के बोले हमारा लगता। हाँ नहीं, इन्हें तो इन जा कहता मेरे पास नहीं रिपोर्ट आई कोई अभी। तो अभी तक कोई आया नहीं फिर? नहीं, कोई नहीं आया सर अभी तक। आप लोग कहाँ के रहने, कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम लोग यूपी लेने जा सकते हैं, यूपी जिला बदायूं। आपका नाम क्या है? श्रीपाल। क्या लगते हैं इस महिला का? इसके हम दामाद हैं जमाई। ठीक, मैं आया था फैक्ट्री से। हाँ, ठीक है, मैंने हाथ पैर धो के और मैंने खाना खाने जा रहा था, तब तक इस मेरे साले का फ़ोन आ गया मेरी घरवाली के पास, बोले मम्मी का फ़ोन आ रहा है और मम्मी ज़्यादा सीरियस हैं, तो सामने दुकान है उस दुकान पर ये चली गई पहले, तो बोली तुम खाना खा लो मैं भी जा रहा हूँ मम्मी देखे हूँ, और जिस चले गई उसके बाद इसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। मैं भी देख लूँ जाके एक बार, जाके देखा तो ब्रोकोली फर्श पर लोट रही हैं, लोटते लोटते वहाँ लेके आए, फिर ऑटो करा, मैंने ऑटो करके लाए और सिविल में यहाँ करना, सिविल में लाया इन्हें 5-10 मिनट इसने कोई सुनवाई नहीं की, उस टाइम भी भाई पहले क्या की सामो बताओ। वो सरफ ना काटा था नहीं पता कपड़ों के मामे धरती पता हम लोग लोटते बिस्तर में, तो बिस्तर में काटा था उसको। ये क्या कर रही थी? लेटी थी खाना खा रही थी, वहीं खाना खाते खाते गिर गई जी, उससे खाना खाते पहले इनको काट लिया उनने। अच्छा, सांप देखा था किसी ने? सांप ने अभी पूछो साले ने काटा। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा, बस इतना बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ फिर आप लोग? उसके बाद में हम ले आए हॉस्पिटल, रात ही ले आए हम, रात ले आए, रात ने ला कर भर्ती हमने कर दिया। भर्ती करने के बाद में बोले आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे यहाँ से। हाँ, यहाँ की डेड होगी। तो अभी क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये डेड बॉडी नहीं दे रही कल से, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। उसमें कह देते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कह रही है? ये कह देते हैं कि पुलिस में थाने में जाओ। अच्छा, थाने वाले कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल डॉक्टर कह देता है चल कर बाहर, ठीक है। तो दो थानों में चले गया? दो थानों में चले गया, उसमें किला वाले में गया था, पहली बार गया था सिविल जामे तहसील गंबा वाले में। इनने बोली हमारे पास भाई कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक हॉस्पिटल से। मैंने क्या करे, चलो यहाँ से, बोले यहाँ से ऐसा करो वहाँ जाओ उस वाले थाने में, किला वाले में। हम किला वाले पहुँचे, वहाँ पर बात हुई हमारी,
मैं सर ऐसा तो बात है, और बोले यहाँ पे भाई कोई रिपोर्ट नहीं आई, यार आती पहले तुम्हारा कोई एरिया लगता नहीं वहाँ का। अच्छा ये कौन बोला? ये पुलिस वाले बोले, दोनों थाने के ये बोले हमारा लगता। हाँ नहीं, इन्हें तो इन जा कहता था मेरे पास नहीं रिपोर्ट आई कोई कभी। तो अभी तक कोई आया नहीं फिर? नहीं कोई नहीं आया सर अभी तक। आप लोग कहाँ के रहने, कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम लोग यूपी लेने जा सकते हैं, जिला बदायूं। आपका नाम क्या है? श्रीपाल। क्या लगते हैं इस महिला का? इसके हम दामाद हैं जमाई। ठीक है।